हेलो एवरीवन, आप देख रहे होंगे मैंने गले में पहनी है एक बहुत ही सुंदर सी रुद्राक्ष की माला। पर इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं रुद्राक्ष के बारे में कुछ नहीं बोलने वाला। मैं बोलने वाला हूं इन रुद्राक्ष के बीच में छुपी हुई इन छोटी छोटी गांठों के बारे में, इन नॉट्स के बारे में। अक्सर हम उन मोतियों के बारे में, इन रुद्राक्ष के बारे में, इन जप मालाओं के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करते हैं, पर हमारी नजर से छूट जाते हैं ये छोटी छोटे नॉट्स, ये छोटी छोटी गांठें जिन्होंने इस पर्टिकुलर माला को, इस पूरी माला को जोड़े रखा है। ये नॉट के साथ में जो आप ये सुमेरु देख रहे हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस जप माला में। और ये जो गांठ है, ये जो नॉट है, हमारे कल्चर में इतनी ज्यादा बोलते हैं ना, सबकॉन्शियसली इनकल्केटेड है कि हमारे डे टू डे लैंग्वेज में हम लोग इस पर्टिकुलर वर्ड का यूज देखते हैं। यही नहीं, शादी का जो बहुत ही डिवाइन रिचुअल है जिसमें दो आत्माओं को, दो परिवारों को जोड़ा जाता है, हम गठबंधन की एक बहुत ही डिवाइन प्रोसेस करते हैं। अक्सर आपने बड़ों को जब नसीहत देते हुए सुना होगा, तो आपने सुना होगा कि आपके बड़े आपसे कहते हैं, मेरी ये सीख गांठ बांध कर रख लो, आगे आपको काम आएगी। यही नहीं, पुराने जमाने में जब बहुत ज्यादा सामान को लोग लेकर जाते थे, गठरी बांध कर जाते थे, तो गठरी शब्द भी गांठ से ही आया है, कोई ऐसी पोटली जिसको गांठ बांधना पड़ता है। कोई चीज जब आप संभालते हो, अपने पास में रखते हो, उसके लिए हम लोग ये गांठ का कोनोटेशन बहुत ही यूजुअली यूज करते हैं। उसके साथ में जब हम किसी से माफी मांगते हैं, अपोलोजाइज करते हैं, वी यूजुअली से प्लीज मेरी इस बात को अपने मन से निकाल दो, कोई गांठ मेरे लिए अपने मन में मत रखना। एक यूजुअल सा कोनोटेशन है, बट हम लोग हमारे लैंग्वेज में बहुत ही ज्यादा डे टू डे लैंग्वेज में यूज करते हैं। गांठ एक रिचुअलिस्टिक प्रोसेस है, नॉट एक रिचुअलिस्टिक प्रोसेस है जिसमें हम नेगेटिविटी को बांध सकते हैं, साथ ही साथ पॉजिटिव वाइब्रेशन और इंटेंशंस को भी बांध सकते हैं। इसी नॉट रिचुअल को मैं वास्तु से रिलेट करने वाला हूं और बताने वाला हूं कौन सी अलग अलग डायरेक्शंस हैं जिसमें एक पर्टिकुलर रिचुअल को करके हम हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी को, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे जीवन में जब बहुत सारी उलझनें आने लगती है ना, तो बहुत सारी गांठें हैं जो हमें बांध देती हैं। उन्हीं गांठों से आपको मुक्त करने के लिए, उन्हीं गांठों को सुलझाने के लिए इस कोर्स को जरूर अटेंड। बहुत ही इजी सॉल्यूशंस हैं, नॉट रिचुअल्स को मैं वास्तु से रिलेट करके इस कोर्स में बताऊंगा, जरूर अटेंड करो। थैंक यू।